इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। विभिन्न तरह की परीक्षाओं में एक प्रश्न या दो प्रश्न आपको आर्टिकल से देखने को जरूर मिलते होंगे। आज इसको विभिन्न तरह के एग्जाम्पल्स के माध्यम से पढ़ेंगे, आप जिंदगी भर इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो उनको देख लें, फिर आप लोग आगे बढ़ें। स्टूडेंट्स, इस कोचिंग सेगमेंट में हम लोग एक कंप्लीट स्टडी लेकर आप लोगों के लिए आ रहे हैं, जिसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैथमेटिक्स, जीके और लास्ट में हम लोग लगाएंगे मॉक टेस्ट, ताकि आपको निःशुल्क में घर बैठे आप पटवारी परीक्षा की तैयारी कर सकें, क्योंकि आपको ज्ञात होगा इस परीक्षा में बहुत ही कड़ा कंपटीशन होने वाला है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारी वेबसाइट पर जाएं elastedico.in पे। इस वेबसाइट पर आपको पटवारी परीक्षा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स लेने हैं और इनको अच्छे से 4 से 5 बार पढ़ना है, ताकि आप लोगों को किस तरह का इसका परीक्षा का स्तर है उसका पता चल सके, और विभिन्न तरह की कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं पीछे वाली परीक्षाओं में उसके स्तर को भी आप भांप पाएंगे। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा elastedico.in पे। ये पुस्तिका आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, सॉफ्ट कॉपी में है, आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन में इसको डाउनलोड करके रखें और 4 से 5 बार इसका अध्ययन करें। डेफिनेटली आपको आगामी पटवारी की परीक्षा में सहायक सिद्ध होगी। हाँ, शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स आर्टिकल्स के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा कि आर्टिकल्स आपके पास 3 तरह के होते हैं, ए, एन और द, ठीक है। तो इन डेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन को माना जाता है, इनको 2 तरह से कैटेगराइज कर दिया जाता है। आगे जाके यदि बात करें ए और एन को क्या बोला जाता है, डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है, और द की बात करें तो इसे यहाँ पर बोला जाता है ए, और एन की बात करें तो इसे इनडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है, दा की बात करें दा को बोला जाता है डेफिनेट आर्टिकल। देखिए क्विक सा यहाँ पे समझ लेते हैं इस डायग्राम के माध्यम से, आगे आपको ब्रीफली इसके बारे में बताऊंगा। यूज ऑफ ए, इफ द वर्ड स्टार्ट्स विद द कंसोनेंट्स, ठीक है। आपको पता होगा इंग्लिश में कंसोनेंट्स और वॉवल होते हैं। यदि हम बात करें तो ए का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, कंसोनेंट्स में किया जाता है। कुछ उसमें खामियां भी होती हैं, उनके बारे में आगे एग्जांपल के माध्यम से आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। एन की बात करें तो एन का जो जितने भी शुरू हमारा शब्द होता है, जो शुरू होता है बॉबल से, तो हम उसके लिए एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ जिनका साउंड कंसोनेंट्स से आता जाता है तो वहाँ पर ए का ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे उदाहरण के माध्यम से आप अपने दिमाग में इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। डेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो इसमें है बिफोर सिंगुलर, काउंटेबल और कॉमन नाउन के पहले किसका इस्तेमाल किया जाता है, द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो आर्टिकल वाला सेक्शन है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है, लेकिन जब इसमें हम देखिए लास्ट में हम एक सेट भी लगाएंगे 10 क्वेश्चन जो कि विभिन्न तरह की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप अच्छे से इस वीडियो को सुन लेंगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप आर्टिकल से कोई भी प्रश्न गलत कर पाएंगे। बस इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ए का इस्तेमाल कहां पे होगा, एन का कहां पे होगा, दा का यहां पर लगाऊंगा तो सेंटेंस की जो सेंस है वो सही से नहीं बन पा रही। बस ये इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज आर्टिकल, तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशंस होगी। आगे देखिए, आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया, ए एन एंड द आर आर्टिकल्स, ठीक है, कॉल आर्टिकल्स। इतना आप 3 चीज़ें लिख देंगे तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स हो सकता है मैंने इसका पेपर जो अभी तक स्टडी कर पाया हूँ पटवारी परीक्षा का, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा जाता है, हो सकता है आपको डेफिनेशन ही पूछ ली जाए इसकी कहीं ऑप्शनों में से, आपको उसको आइडेंटिफाई करना हो और ये प्रश्न पहले आया भी नहीं है, तो आप डेफिनेशन अच्छे से याद कर लें। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, ओके, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल, ठीक है। और देर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, तो आपने लिखना है देर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। नंबर 1 इज इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें आते हैं ए एंड एन, एंड 2nd इज डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें आता है द आर्टिकल्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 1 by 1 डिस्कशंस करते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ए के बारे में। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि ए का इस्तेमाल किया जाता है कंसोनेंट्स के साथ, जो शब्द हमारे कंसोनेंट्स के साथ में शुरू होंगे उनके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। देखिए नीचे क्या बताया जा रहा है, अ कंसोनेंट साउंड इज अ साउंड अदर देन अ वॉवल साउंड, दैट इज साउंड अदर देन ए ई आई ओ। आपको ज्ञात होगा ए ई आई ओ यू क्या है, ए वॉवल है, लेकिन ऐसे वॉवल जिनका प्रोनाउंसिएशन हम किस तरह से करते हैं, यदि उनकी प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो जिनका कंसोनेंट्स का यदि साउंड आया तो उसके साथ में हम ए का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री रखें, इसको इस तरह से समझेंगे उदाहरणों के माध्यम से कि आप अपने जीवन में कभी भी इसको नहीं भूल पाएंगे। देखिए पहले सिंपल ए का इस्तेमाल कर लेती है, देखिए कहाँ कहाँ पर किया जाता है, बस इनको यदि आप थोड़ा सा अपने जैसे आप किताब को पढ़ें तो उसके साथ में आपने क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है। जब आप किसी कैटल किसी भी एनिमल को देखते हैं तो उसके साथ में आपने क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है। देखिए यहाँ पर कैट की बात की जा रही है तो इसमें क्या है, ए कैट है। पेन की बात करें, आपके हाथ में पेन होगा तो ए पेन होगा। कैप आप आपने हैट रखा होगा तो इसको ए हैट करेंगे। आप हाउस में रहते हैं तो ये हाउस है, ठीक है, कॉलेज है। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन भी की गई है, सी इज रीड अ बुक, ओके, आई हैव अ सन, यू आर अ गुड
गर्ल। यहाँ पे देखिए बुक को देखें तो बी के लिए क्या है, कंसोनेंट्स है, प्रोनाउंसिएशन भी कंसोनेंट्स की तरह ही है। आगे बात करें सन में क्या है, एस क्या होता है, हमारा कंसोनेंट्स में आता है, क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, ए का किया जा रहा है, ठीक है। यू आर अ गुड गर्ल, जी में क्या है, कंसोनेंट्स है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए का इस्तेमाल किया जा रहा है। बस इन शब्द को थोड़ा सा आप ऐसे, मैंने ऐसे शब्द यहाँ पे चूज़ किए हैं जिनका आप लोग अक्सर अपने इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए आप बुक आप डेली करते हैं, कैट आप देखते हैं, पेन है, हैट है, हाउस है, कॉलेज है, ठीक है, सन है, गुड एटसेट्रा, ठीक है। तो इनके साथ में किसका इस्तेमाल किया जाता है, ए का इस्तेमाल किया जाता है। ए को आपने सीधा किससे जोड़ देना है, जहाँ पे कंसोनेंट्स के साथ में कोई भी कंसोनेंट्स से वर्ड शुरू हो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरा नियम मैंने आपको बताया, ऐसे बाउल जिनका साउंड क्या है, शुरुआत तो उनकी बाउल से होती है, बाउल कौन से, ए ई आई ओ यू है, लेकिन उनका साउंड किस तरह का आता है, उनका साउंड आता है कंसोनेंट्स की तरह, तो उनके साथ में किसका इस्तेमाल किया जाता है, ए का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये चार पांच उदाहरण है, यहाँ पे पांच उदाहरण अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, आप किसी भी एग्जाम में इसको गलत नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या है, यूनिवर्सिटी शब्द है हमारे पास, यू है, देखिए आगे यूरोपियन है, इसमें ई है, आगे यूनिफॉर्म की बात करें यू से शुरू हो रहा है, यूनाइटेड की बात करें यू से शुरू हो रहा है, और यूनियन की बात करें तो स्टैंड से जितने भी शब्द आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें क्या है, पहला अक्षर क्या है, बाबुल है, लेकिन इनके साथ में ए का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें कंसोनेंट साउंड आता है, और अक्सर स्टैंड से जो यूनिवर्सिटी वाला शब्द है तो बहुत ही पॉपुलर है, विभिन्न तरह की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी इससे मिलता जुलता ही प्रश्न आएगा, क्योंकि पटवारी परीक्षा का स्तर कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसमें टाइम मैनेजमेंट हमने सीखना है, और एकदम से एरर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाए। स्टूडेंट्स ये इसी तरह से हो पाएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और ओल्ड क्वेश्चन पेपर को अपना मुख्य हथियार बनाएंगे, इसी से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ को अपने मोबाइल फोन में रखें और अपने सबसे प्रिय पुस्तक में उसको रखें और 5 से 6 बार उसका अध्ययन करेंगे, निश्चित तौर पर आप इस परीक्षा को समझ पाएंगे कि पटवारी की परीक्षा है क्या। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी के साथ में किसका इस्तेमाल किया जाएगा, ए का इस्तेमाल किया जाएगा। यूरोपियन की बात करें उसके साथ में ए लगेगा, यूनिफॉर्म की बात करें उसके साथ में ए लगेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यूनाइटेड की बात करें उसके साथ में ए का इस्तेमाल किया जाता है, यूनियन की बात करें तो उसके साथ में भी ए का इस्तेमाल ही किया जाता है। अब समझेंगे इसके एग्जाम्पल और स्टूडेंट लास्ट में लगाएंगे 10 क्वेश्चन का एक MCQ एक सेट लगाएंगे, ठीक है। उसी आपने देखना, यदि आपने सही ढंग से इस वीडियो को सुन लिया समझ लिया आप कैपेबल होंगे, वहाँ पर वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 रुपीज़ नोट, ठीक है। तो वन क्या है, वो देखिए किसका साउंड दे रहा है हमें, यहाँ पे बाबुल है, ठीक है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है, साउंड कंसोनेंट्स का दे रहा है। तो इसके साथ में वैसे चार आप ऐसे रट लेना चाहे, 1 रुपीज़ नोट, 1 बे टिकेट, 1 आइस्ड मैन, 1 मैन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली यहाँ से भी आपका प्रश्न बनेगा, ट्रिब्यूनल की स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे आपने इसको ठीक कर लेना। आगे बात करेंगे दूसरे इंडेफिनेट आर्टिकल की जिसका नाम है एन, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स ये सिंगल है, आप इसको कंसोनेंट्स के साथ में जोड़ दिए। एन में क्या है, थोड़ा सा आपको ट्रिक बताता हूँ, एन दो शब्द है यहाँ पे ना, तो ए भी क्या है हमारे पास, जो इसका जो शुरू हो रहा है देखिए ना, एन है इस तरह से, तो आपने इसको क्या करना है, इसको बाउल के साथ में जोड़ देना है कि जहाँ पे बाउल्स होते हैं, इन सिंपल वर्ड्स कभी नहीं भूल पाएंगे आप लोग, ठीक है। कि एन किसके साथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बाउल के साथ में इस्तेमाल किया जाता है, और ए ई आई ओ यू क्या है, बाउल्स है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मैंने आपको शब्द बताया अभी कि ऐसे बाबुल जिनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, कंसोनेंट्स से मिलती जुलती, उनके साथ में हम ए का इस्तेमाल करते हैं, कुछ आपको एग्जांपल में भी बता दिया गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए हिंदी में इसकी बात करें, अगर रिक्त स्थान के बाद वाले शब्द का पहला फ्रंट मतलब पहला अक्षर हिंदी का बाबुल स्वर है, आ ई ऊ ए एस ओ से उसकी प्रोनाउंसिएशन हुआ है, तो उस वहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, एन का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल बताया जा रहा है, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट एटसेट्रा, इनके साथ में किस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, एन का किया जाता है। अब स्टूडेंट्स आगे जो मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखा है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न किस तरह से आएगा आपको, एमपी के साथ में क्या लगेगा, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, एमएलए है, एसएचओ है, आपने एमए की डिग्री की है, बीए की, ठीक है, बीए की नहीं, यहाँ पे एमए के साथ में क्या होगा, एन लगेगा, ठीक है। हॉनेस्ट है, देखिए ये शब्द किससे शुरू हो रहा है, यहाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपको और चीज समझनी है, कंसोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन इसकी एच क्या है, साइलेंट है, ठीक है। हॉनेस्ट किस तरह के प्रोनाउंसिएशन यहां पे शो कर रहा है, तो इससे आपने आइडेंटिफाई करना है, इन शब्दों को आप थोड़ा सा रिमेंबर कर लें तो आप इसको भी एन के साथ में आगे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एन एप्पल होता है, एन आइज है, एन इंक पोट है, एन ऑरेंज है, एन आर्मी है, ठीक है। उसके बाद एन ऑस्ट्रेलियंस है, एन अमेरिकन है, इसके साथ में सारे शब्दों के साथ में किसका इस्तेमाल किया जाता है, एन का इस्तेमाल किया जाता है।
और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे साइलेंट कंसोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए जैसे आपको मैंने बताया हॉनेस्ट में क्या एच साइलेंट रहता है, आवर्स की बात करें उसमें एच साइलेंट है, होटल की बात करें उसमें एच साइलेंट है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात करें उसमें एच साइलेंट है, ऑनरेबल में देखिए एच साइलेंट है। तो यहाँ पे भी इसी में से आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, तो इनको अच्छे से रिमेंबर करना सीख लें। एन आवर्स, एन हॉनेस्ट मैन, एन होटल, एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, एन ऑनरेबल मैन, ठीक है। तो इनके साथ में किसके इस्तेमाल किया जाता है, एन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द बॉय एट डैश एप्पल, तो आपको अंडरस्टूड हो गया क्या है। पहला शब्द हमारा किससे शुरू हो रहा है, बाबल्स हो रहा है, साउंड भी बाबल्स का है, तो डायरेक्टली आंखें बंद करके यहाँ पे क्या कर देंगे, ए कर देंगे, ठीक है। देखिए आगे बताया भी गया ए एप्पल के प्रोनाउंसिएशन किस तरह से किया जाता है, ए तो मैंने आपको बताया था, ए के साथ में क्या लगता है, एन का इस्तेमाल किया जाता है। सी इज डैश डैश एबल टीचर्स, ठीक है। तो एबल के लिए क्या होता है, ए भी क्या है हमारे पास बाबल, तो ए के साथ में क्या लगेगा, एन लगेगा। ही हैज डैश अंकल हु लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। तो अंकल में क्या है, अ की वॉइस आ रही है, तो उसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। अब स्टूडेंट्स लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा भी होता है लेकिन है बहुत इंटरेस्टेड, अपना फेवरेट आर्टिकल्स बनाइएगा दा को, ठीक है, क्योंकि बहुत सी जगह पे दा का इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर हम गलती भी दा के सिलेक्शन में ही करते हैं। तो देखिए दा इज नोन एज अ डेफिनेट आर्टिकल, आपको बताया दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट में ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। दा इज अ डेफिनेट आर्टिकल एज इट इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, इसको एग्जांपल के माध्यम समझेंगे। देखिए जब द सन, इस तरह से जैसे सन है, मून है, स्टार है, स्काई है, अर्थ है, इस हमारी इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है, हमारी अर्थ के बारे में बात की जा रही है, आंखें बंद करके आप लोगों ने क्या कर देना, वहाँ पे द का इस्तेमाल कर देना। तो सन के साथ में क्या लगेगा, द लगेगा। यदि हम बात करें मून के साथ में भी दी लगेगा, स्टार की बात करें उसके साथ में भी दी लगेगा, स्काई की बात करें उसके साथ में दी लगेगा, अर्थ के साथ में क्या लगेगा, दी लगेगा। आगे स्टूडेंट्स इसके बहुत से एग्जाम्पल हम समझने वाले हैं आज। यदि प्रेजिडेंट की बात करें, बोलते हैं तो दाग प्रेजिडेंट, देखिए जब कोई भी सेंटेंस शुरू से जैसे किसी का नाम आ जाता है, शुरू जैसे अर्थ का नाम है, मून है, सन है, जब ये शुरू वाक्य के पहले सेंटेंस में, तब तो दाग का इस्तेमाल इसमें किया ही जाता है, ठीक है। तो आपने भी याद रखना है, द प्रेजिडेंट, द सीईओ, द वर्ल्ड, द स्काई, एक बार आप इस तरह से इनको खुद भी पढ़ेंगे, द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेजिडेंट, द सीईओ, द वर्ल्ड, द स्काई, तो आप इनको कभी नहीं भूल पाएंगे। आगे देखिए एडजेक्टिव रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, इसके साथ में किसका इस्तेमाल किया जाता है, द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर, ठीक है। आगे बात करें स्टूडेंट्स, फेम्स बिल्डिंग्स है, म्यूजियम है, एंड मूवमेंट्स है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे म्यूजिंग है, म्यूजियम की स्पेलिंग आपने याद रखनी, परीक्षा में पूछा भी गया था, हम जब मैं पढ़ता तो मैं तो इसको इस तरह से याद रखता था, एम कर देता था और यूज़ के बाद, देखिए इसको मैं तीन शब्दों में जोड़ता था, एम है ना, एम को हटा दिया, आगे क्या बन रहा है, यूज़ बन रहा है, देखो ना, उसके बाद UMS लगा देता था तीन पार्ट्स में, कभी स्पेलिंग नहीं भूलते। तो आपने भी इस तरह से इसको याद रखना है, एक स्पेलिंग भी आपकी यहाँ से पक्की हो गई। म्यूजियम की स्पेलिंग क्या होती है, MUSE UMS जोड़ना लास्ट में, ठीक है, आप कभी नहीं भूल पाएंगे स्पेलिंग्स को। तो यहाँ पे बात की जा रही है, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, म्यूजियम है, ठीक है, मोनूमेंट्स है, उनके साथ में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ताजमहल, तो आपने सीधा जब ताजमहल शब्द आपके सामने आए तो आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ताजमहल के साथ में किसका इस्तेमाल किया जाता है, दा का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा नियमों के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुतुब मीनार किसका इस्तेमाल किया जाएगा, दा का इस्तेमाल किया जाएगा, द एफिल टावर, ठीक है। इस तरह से जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको भी अपने दिमाग में रखते हैं, उनके साथ में किसका इस्तेमाल करते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपने कंपैरिजन करना हो, सुपरलेटिव डिग्रीज में किसी को बताना हो, तो वहाँ पे तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोएस्ट, द यंगेस्ट, दिस इज वेरी सिंपल, लेकिन आपको दिमाग में इसको याद रखना है। ऑर्डिनल नंबर्स के साथ में द लास्ट चैप्टर, ठीक है, आप पढ़ रहे होंगे, कहाँ पहुँच गए, द लास्ट चैप्टर में है, द फर्स्ट टाइम, ठीक है, आप पटवारी की परीक्षा दे रहे, तो वहाँ पर क्या होगा, द फर्स्ट टाइम आई एम अपेयरिंग इन पटवारी एग्जामिनेशन, द सेकंड ओकेजन, ठीक है, कि दूसरी बार दे रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, दिस इज द सेकंड ओकेजन, ओके। आगे है स्टूडेंट्स कंट्रीज, द नेम्स ऑफ विच इंक्लूड्स किंगडम्स, स्टेट्स और रिपब्लिक्स, रिपब्लिक्स
एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जैसे कंट्रीज के नाम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम्स है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, इनके साथ में किसका इस्तेमाल किया जाएगा, द का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब आपने याद क्या रखना है, कंट्रीज द नेम्स ऑफ दिस इंक्लूड्स, ठीक है, उसके साथ में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, द का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रीज दैट हैव द प्लूरल नेम, ठीक है, जैसे नीदरलैंड्स है स्टूडेंट्स, इसी तरह का आपको प्रश्न आएगा। थोड़ा सा जैसे अभी मैं आपसे बात करूँ, पटवारी की परीक्षा का स्तर इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें टाइम मैनेजमेंट होती है आई थिंक, ठीक है। दूसरा उसमें मैथमेटिक्स भी है और प्लस टू उसकी क्वालिफिकेशन है, तो हल्का सा हमें, लेकिन हमें उस में भी नहीं खोए रहना है कि परीक्षा बहुत ही हल्का सा हमने क्या करना है। देखिए बहुत सिंपल एग्जामिनर नहीं पूछता है आज की डेट में, और इसमें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा ह्यूज कंपटीशन होने वाला है, तो इसका परीक्षा का स्तर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इस बार बढ़ सकता है। तो जैसे ये प्रश्न मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, ये मध्यम स्तर के आप इनको मान सकते हैं, उच्च स्तर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे ये लास्ट वाले की बात करेंगे, जैसी कंट्रीज जो प्लूरल के साथ में इनका शुरुआत होती है, ठीक है, जिनके नाम के साथ में प्लूरल लगा हुआ है, उनके साथ में हम द का इस्तेमाल करते, जैसे नीदरलैंड है, फिलीपाइंस है, तो इसके साथ में किसका इस्तेमाल किया जाता है, धा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्स कनाल्स एंड ओशियंस के साथ में हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाता है, धा का इस्तेमाल किया जाता है, द गंगास, द नील्स, द अंटार्कटिक, द पैसिफिक। आगे स्टूडेंट्स बात करें नेम ऑफ फैमिलीज, द राणास, द खांस, द टाटास, इसके साथ में किसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ में भी हम धा का ही इस्तेमाल किया जाता है फैमिलीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। आगे है स्टूडेंट्स द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली, मतलब ओनली शब्द के साथ में किसका इस्तेमाल किया जाता है, द का इस्तेमाल किया जाता है, द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बैट्समैन। आगे स्टूडेंट्स बात करेंगे ऑल द बॉयज आर हेयर, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए बॉयज को हम आइडेंटिफाई करें किसका इस्तेमाल किया, ऑल द बॉयज आर हेयर, आई विश टू विजिट द होल वर्ल्ड। ये ऐसे एग्जाम्पल है जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और समझ लेते हैं इसके एक दो एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे आ गया डैश पोप इज विजिटिंग रसिया, तो इसके साथ में क्या होगा, द, मैंने बोला कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस का नेम है उसके साथ में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल। देखिए आगे देखिए डैश मून इज वेरी ब्राइट टू नाइट, ठीक है, तो मून के साथ में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, का इस्तेमाल करते हैं। देखिए प्रेजिडेंट शब्द आ गया, साथ में क्या इस्तेमाल होगा, दा होगा। देखिए आप इतनी आसानी से इस वीडियो के लिए आप दो बार देख लेंगे, जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे स्टूडेंट्स। और मैं आर्टिकल्स को बहुत पसंद करता हूँ, पढ़ना भी और पढ़ाना भी, ठीक है। यदि हमारे पास थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड की सुविधा होती तो इसको हम और भी अच्छे से करते, लेकिन स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भी किसी तरह की कमी है। आप इसको एक बार, एक से दो बार अच्छे ढंग से देखें तो आप सफल होंगे। अब स्टूडेंट्स हम पहुँच चुके हैं और फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना सीखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैं 10 लेके आया हूँ, इन 10 को आपने 10 बार पढ़ लेना, मुझे उम्मीद है कि इसमें से कोई एक या दो आर्टिकल्स यदि आपको आ गए तो हमारा जो पठन पाठन की मुहिम है वो भी सक्सेस हो जाएगी। डैश सन राइजेज इन डैश ईस्ट एंड सेट इन डैश वेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सन क्या है, सन मैंने आपको अभी सिखाया ना, यदि आप सन मून अर्थ के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, ईस्ट क्या है, एक डायरेक्शन है, एक दिशा को पिंग कर रहा है, तो आइडेंटिफाई है किसी चीज़ का नाम आता है उसके साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। आगे क्या है, वेस्ट भी वही है, तो आप इसको एकदम से आप सही कर सकते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स इसका सही उत्तर, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्पल, आपने देखा था कि जहाँ पे जो बाबुल शब्द से शुरू होता है वहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, एन का किया जाता है, और आपको कुछ उदाहरण भी बताया गया था वहाँ पे, तो एप्पल के साथ में क्या लगेगा, एन लगेगा। डे में क्या है, अगले फिलिंग द ब्लैंक्स में देखेंगे तो डी है कंसोनेंट, उसके साथ में क्या लगेगा, ए लगेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, डॉक्टर प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं तो उसके साथ में क्या लगता है, द लगाया जाता है, तो आप इसको भी चुटकियों में कर सकते हैं। क्या होगा इसका सेंटेंस आपको पढ़ के बताता हूँ, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो स्टूडेंट्स आपको लग रहा है मुझे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है, आकाश इज डैश दारा सिंह ऑफ द स्कूल। नेम आ रहा है, दारा सिंह क्या है, नेम है, नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, द का इस्तेमाल करते, तो आपने एकदम चुटकियों से इसको सही उत्तर कर दिया है कि आकाश इज द दारा सिंह ऑफ अवर स्कूल। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, डैश राजधानी एक्सप्रेस, आपको पता है नाम के साथ में क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है, तो यहाँ पे आप आंखें बंद करके, आपने कुछ नहीं देखा कि आर्टिकल का नियम क्या है, आपने देखा कि नेम है किसी का, ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस क्या है, नेम है एक रेलगाड़ी का, तो आपने उसके साथ में लगा दी है द। आगे है इज फास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने शब्द देखा एफ से शुरू हो रहा है फास्ट, और आपने क्या ध्यान रखा कहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन शब्द साइलेंट में तो नहीं है पहला, तो आपने देखा कि फास्ट तो फ तो नहीं है, साइलेंट में नहीं है, बाबुल साउंड यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आपने बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे क्या लगा दिया है, ए लगा दिया है। एंड कंफर्टेबल ट्रेन फॉर डैश रीच,
तो स्टैंड्स किसी की अमीरी को बताने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बन जाएगा, द राजधानी एक्सप्रेस इज द फास्ट एंड कम्फर्टेबल ट्रेन फॉर द रिच। अगली बात करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट की, हिमालयंस। तो आपको पता है हिमालयंस क्या है, नेम ऑफ द माउंटेन है। माउंटेन के नेम के साथ में क्या लगाया जाता है, दा लगाया जाता है। आई थिंक आपका दिमाग अब काम करना शुरू कर चुका है। द हिमालयंस आर डैश हाइट्स, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करें, हाइट्स किसी की वो बता रहे हैं कि उसकी कितनी कहाँ तक उसकी ऊंचाई, तो उसके साथ में क्या लगाया जाता है, दा लगाया जाता है। और वर्ल्ड, वर्ल्ड के साथ में क्या लगाया जाता है, दा लगाया जाता है। स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द हिमालयंस आर द हाइट्स माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट वन इज डॉग। स्टूडेंट्स क्या है, किसी जात कुत्ता क्या है, एक प्रजाति है, उसके नाम के बाद साथ में क्या लगेगा, दा लगेगा। और आगे क्या है, फेथफुल है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि ये लगेगा कि एन लगेगा। तो स्टूडेंट्स हमने पहले चेक किया कि एफ क्या है, कंसोनेंट्स है, तो देख लिया कहीं साइलेंट में तो नहीं है, तो हमें लगा कि फेथ फ की है, तो फ तो बाबुल में नहीं आता है। तो हमारा दिमाग एकदम से स्ट्राइक कर चुका है कि यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा ए का। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट में क्या स्टैंड, पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या है, नेम है। नेम के साथ में किसका इस्तेमाल किया जाता है, दा का इस्तेमाल किया जाता है, द पोस्टमैन पुट। आगे क्या स्टैंड, लेटर्स, एल इज द कंसोनेंट्स, उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट को देख लेते हैं, पहले उसमें फ्रंट है, फ्रंट को तो आपको लग गया पता है आपके साथ में हमेशा क्या लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, द पोस्टमैन पुट अ लेटर अंडर, क्या बात की जा रही है, द फ्रंट डोर्स, ठीक है, दरवाजे के सामने। यहाँ पे भी हम देखिए इसको हम गलत कर सकते हैं, गलत कैसे सकते हैं, हमने देखा है कि एफ क्या है, फ्रंट में है, कंसोनेंट्स है, कंसोनेंट्स के साथ में लगाया जाता है ई। लेकिन यहाँ पे देखिए छुपी, सेंटेंस को पूरा पढ़ने के बाद भी इसकी मीनिंग चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे आवर्स की बात करें तो एच साइलेंट है, यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, एन लगाया जाएगा। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए सेंटेंस की फॉर्मेशन के आधार पर भी हमें एक्टिव रहना है, अपने दिमाग को ओपन रखना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट स्तर का, इसको उच्चतर स्तर का आर्टिकल्स माना जा सकता है, लेकिन हमारी तैयारी तो ऐसी होनी चाहिए ना, कैसा भी प्रश्न आ जाए उसमें सफलता प्राप्त कर सके। देखिए द पोस्टमैन पुट अ लेटर अंडर द फ्रंट डोर, फ्रंट के सामने क्या करा है, उसको जा रहा है, जस्ट एन आवर आफ्टर यू हैड लेफ्ट। आई थिंक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट वन इज डैश मैन यू सा हेयर यस्टरडे इज अंकल ऑफ माइन एंड डैश ग्रेट लवर ऑफ रामायणस। स्टूडेंट्स मैन है, मैन के साथ में क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। आगे देखिए अंकल, तो यू क्या है, यू है बाबल, बाबल के साथ में क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है। और स्टूडेंट्स ग्रेट, ग की यहाँ पे आवाज़ आ रही है, यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, कंसोनेंट्स है, कंसोनेंट्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं ए का। और नेक्स्ट इज रामायणा क्या है, नेम के साथ में क्या लगाया जाता है, द। तो कैसे बनेगा, द मैन यू सा हियर यस्टरडे इज एन अंकल ऑफ माइन एंड अ ग्रेट लवर ऑफ द रामायणा। सी इज डैश एम ए इन जियोग्राफी, तो स्टैंड एम ए एम पी एम एल ए के साथ में क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है। कुछ भी नहीं सोचना है, ना कंसोनेंट्स के बारे में सोचना है, ना वॉवेल के बारे में सोचना है, कोई भी एब्रीवेशन से जस्ट आप वहाँ पे एन लगाएंगे बिना आंखें बंद करके एक सेकेंड में। नेक्स्ट वन इज डैश काउ इज डैश यूजफुल एनिमल, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है द काउ। काउ क्या है, किसी, मैंने बताया किसी चीज़ का नाम है, किसी प्रजाति के बारे में बताया, क्या लगेगा वहाँ पे, दा लगेगा, यूजफुल, ठीक है। यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे यू है बाब, लेकिन इस क्या है, साइलेंट है, चुप बैठा हुआ है, ठीक है। जो चीज़ चुप बैठ जाए बाबुल हो, तो उसके साथ में लगाया जाता है ए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। स्टूडेंट्स दो बार इस वीडियो को जरूर देखें और हमारे फटाफट हमारी वेबसाइट पर जाएं। हिमाचल प्रदेश में नौकरियों की कमी नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना है, टैलेंटेड अपने जो आपका छुपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकालना है। और हमारी टीम आपके साथ है, विभिन्न तरह की परीक्षाओं के लिए उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री लेकर हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते भी, और कुछ अध्ययन सामग्री आपको अपनी वेबसाइट elastico.in पर उपलब्ध भी करवाते हैं। इसका जरूर लाभ उठाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगला आप किस चीज़ का वीडियो चाहता है, जो ऐसा वीडियो हो जिसको आप जीवन में कभी भी ना भूल पाएं, उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elastico यूट्यूब चैनल।